हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये लिप का हिंदी में वीडियो बनाने वाले हैं। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आया था कि ये लिप का आप हिंदी में वीडियो बना दो, इसलिए मैं ये लिप का हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। मेरा हिंदी इतना भी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा बोल लेती हूँ। और ये इसका इस्तेमाल मैंने मारीगोल्ड फ्लावर का डोर तोरण बनाया उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। इसके लिए मुझे एक लिप बनाने के लिए 3 ग्राम ऊन लगी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हुक नंबर देखिए, मैंने 1.75 mm का हुक यूज़ किया है। स्टार्टिंग में मैंने स्लिप नॉट लेके आगे 2 चेन लेनी है, फिर एक फर्स्ट वाला चेन स्किप करके ये दूसरा चेन है उसमें सिंगल क्रोशे लेना है। उसके बाद 2 चेन लेके वही चेन में हमें सिंगल क्रोशे लेना है। दोनों बाजू एक एक सिंगल क्रोशे आ गए। फिर एक चेन लेके यहाँ पे टर्न करके लेना है। ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है, पहला जो ऊपर का लूप है, ये बैक साइड के लूप से हमें सिंगल क्रोशे बना के जाना है। देखो, ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है, ये बैक साइड की लूप से हमने हुक डालकर एक सिंगल क्रोशे बनाया उसके ऊपर। फिर दूसरा सिंगल क्रोशे हमें या 2 चेन के गैप में लेना है। फिर 2 चेन लेके जहाँ हमने ये 2 चेन के गैप में ये सिंगल क्रोशे बनाया वहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। और दूसरा सिंगल क्रोशे हमें यहाँ सिंगल क्रोशे के बैक साइड लूप से सिंगल क्रोशे बनाना है। अभी देखिए, ये दोनों बाजू दो दो सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। फिर एक चेन लेके यहाँ पे ये पैटर्न घुमाना है। अभी ये 2 सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर हमें बैक साइड लूप से 2 सिंगल क्रोशे तैयार करने हैं। एक और 2, और तीसरा सिंगल क्रोशे हमें यहाँ 2 चेन के गैप में बढ़ा कर लेना है। यहाँ पे अभी 3 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। आगे 2 चेन लेके फिर से हमें ये 2 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे बढ़ा के लेना है। और आगे 2 सिंगल क्रोशे वहाँ पे ऊपर की लूप से 2 सिंगल क्रोशे बना के लेना है। दोनों बाजू 3-3 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। फिर एक चेन लेके यहाँ पे पैटर्न टर्न करना है। अभी ये 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर बैक साइड लूप से सिंगल क्रोशे तैयार करना है। 1, 2 और 3, और चौथा सिंगल क्रोशे यहाँ 2 चेन की गैप में बढ़ाना है। उसके बाद 2 चेन लेंगे। यही एक 2 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे बढ़ा के लेना है। और आगे 3 सिंगल क्रोशे उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 1, 2 और 3। यही यहाँ पे जो एक एक सिंगल बढ़ाते हैं ये भी इसमें ऐड करके जाना है। दोनों बाजू 4-4 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए।
उसके बाद एक चेन लेके फिर ये पैटर्न टर्न करके लेना है। अभी ये चार सिंगल क्रोशे तैयार हो गए, उसके ऊपर से बैक साइड लूप से एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। एक दो तीन चार और पांचवा सिंगल क्रोशे हमें ये दो चेन की गैप में बढ़ाना है। यहाँ पे देखो ये बाजू पांच सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। फिर दो चेन लेके यही दो चेन की गैप में एक सिंगल क्रोशे ऐड करना है। आगे जो चार सिंगल क्रोशे उसके ऊपर से चार सिंगल क्रोशे तैयार करना है। दोनों बाजू देखो अभी पांच पांच सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। फिर एक चेन लेके यहाँ पे टर्न करके लेना है पैटर्न। अभी एक पांच सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर से बैक साइड की लूप से एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। एक दो तीन चार पाँच और ये दो चेन के गैप में एक बड़ा कर लेना है। छः दो चेन लेके वही दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे लेना है। आगे के पांच सिंगल क्रोशे उसके ऊपर से सिंगल क्रोशे लेना है। एक दो तीन चार और पाँच। दोनों बाजू अभी छः छः सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। फिर एक चेन लेके वही प्रोसेस करनी है आगे। एक दो तीन चार पाँच छः और सातवां सिंगल क्रोशे यहाँ बढ़ाना है दो से दो चेन के गैप में। फिर दो चेन लेके वहीं पे दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे लेना है। आगे जो छह सिंगल क्रोशे उसके ऊपर से बैक साइड लूप से एक एक सिंगल क्रोशे तैयार करना है। एक दो तीन चार पाँच और छः। अब ये दोनों बाजू सात सात सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। फिर एक चेन लेके सेम वही प्रोसेस करना है। पहले सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करना है। एक दो तीन चार पाँच छः और सात और आठवां सिंगल क्रोशे या दो चेन के गैप में बढ़ाना है। यहाँ पे देखो आठ सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। आगे दो चेन लेनी है। फिर वही गैप से हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। आगे सात सिंगल क्रोशे सबके ऊपर से बैक साइड लूप से एक एक सिंगल क्रोशे तैयार करना है। दो तीन चार
पाँच छः सात, दोनों बाजू अभी आठ आठ सिंगल क्रोशेट रेडी हो गए। फिर एक चेन लेके ये टर्न करके लेना है पैटर्न। अभी ये आठ सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर से बैक साइड लूप से सिंगल क्रोशे तैयार करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे बढ़ाना है दो चेन के गैप में, नौ। फिर दो चेन लेना है, फिर यहाँ से ही दो चेन के गैप में ही एक सिंगल क्रोशे बढ़ाना है, और एक ये आठ सिंगल क्रोशे उसके ऊपर से बैक साइड लूप से एक एक सिंगल क्रोशे तैयार करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, दोनों बाजू अभी नौ नौ सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। अभी इसके आगे हम लोग फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सिंगल क्रोशे वो स्किप करेंगे। ऊपर अभी आठ आठ सिंगल क्रोशे आएंगे दोनों बाजू में। देखो अभी एक चेन लेके यहाँ से ये पैटर्न टर्न करके लेना है। एक फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वो स्किप करके दूसरा वाला सिंगल क्रोशे वहाँ से स्टार्ट करना। एक दो तीन चार पाँच छ सात, और ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशे वो स्किप करके लेना है, और डायरेक्ट उसके आगे दो चेन, जो दो चेन की गैप है उसमें ये आठवां सिंगल क्रोशे बना के लेना है। फिर दो चेन लेके यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे बना के लेना है। फिर वही प्रोसेस करने है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे और ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशे स्किप करना है। ये एक सिंगल क्रोशे तैयार हो गया है यहाँ पे दो चेन के गैप में, ये आगे का स्किप करके दूसरा सिंगल क्रोशे वहाँ से तैयार करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये लास्ट वाला स्किप करना है। लास्ट वाला सिंगल क्रोशे स्किप किया, एक चेन लेंगे दोनों बाजू। देखो अभी आठ आठ सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। ऊपर तक हमें ये कम कम करने का है। फिर ये पैटर्न टर्न करके ये फर्स्ट वाला स्किप करके दूसरा वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ से स्टार्ट करना। एक दो तीन चार पाँच छः, और ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशे वो स्किप करके इधर दो चेन के गैप में ये सातवां सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर दो चेन लेके यही पे हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है दो चेन के गैप में। फिर ये फर्स्ट और लास्ट वाला सिंगल क्रोशे स्किप करना है। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे बना के लिया और ये स्किप करके यहाँ से तैयार करना है। दो
तीन चार पाँच छः और सात, दोनों बाजू अभी सात सात सिंगल क्रोशेट रेडी हो गए। फिर एक चेन लेंगे और ये पैटर्न टर्न करके लेना है, वही प्रोसेस करना है, फर्स्ट वाला स्किप करके आगे से स्टार्ट करना है, सिंगल क्रोशे लेना, एक दो तीन चार पाँच, और ये लास्ट वाला स्किप करेंगे सिंगल क्रोशे, और दो चेन के गैप में हमें इधर छः सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर दो चेन लेके यहाँ पे दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे लेना है। आगे ये सिंगल क्रोशे स्किप करेंगे, एक टायर हो गया, यहाँ से दो तीन चार पाँच और छः, ये लास्ट वाला स्किप करेंगे। अभी दोनों बाजू छः छः सिंगल क्रोशे रेडी हो गए। फिर हम एक चेन लेंगे, यहाँ पे ये पैटर्न टर्न करके लेना है, वही प्रोसेस करने के लिए आगे भी ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे स्किप करके दूसरा सिंगल क्रोशे वहाँ से स्टार्ट करना है, एक दो तीन चार, और ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशे और स्किप करके हमें ये दो चेन के गैप में हमें पांचवा सिंगल क्रोशे तैयार करना है। फिर दो चेन लेंगे, फिर ये दो चेन के गैप में सिंगल क्रोशे लेना है, आगे का सिंगल क्रोशे स्किप करके दूसरा सिंगल क्रोशे वहाँ से स्टार्ट करना है, एक दो तीन चार और पाँच, दोनों बाजू अभी पाँच पाँच सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे ये पैटर्न टर्न करके लेना है, फिर फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे स्किप करके दूसरा जो सिंगल क्रोशे वहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन, और ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशे स्किप करके दो चेन की गैप में ये चौथा सिंगल क्रोशे बना के लेंगे। फिर दो चेन लेके वही दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे लेना है, और आगे का जो है स्किप करके दूसरे सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करना है, एक दो तीन और चार, लास्ट वाला स्किप करेंगे। दोनों बाजू देखो अभी चार चार सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। फिर एक चेन लेके यहाँ पे पैटर्न घुमाना है, फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वो स्किप करके दूसरे सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे, एक दो, और ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ स्किप करना है, और दो चेन के गैप में ये तीसरा सिंगल क्रोशे तैयार करके लेना है। फिर दो चेन लेंगे, यहीं पे दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे लेना है, फिर आगे का जो सिंगल क्रोशे वो स्किप करके दूसरा सिंगल क्रोशे वहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाना है, एक दो और तीन, लास्ट वाला स्किप करना है। दोनों बाजू देखो अभी तीन तीन सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे टर्न करके लेना है, वही प्रोसेस करनी है हमें, ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वो स्किप करके दूसरा जो सिंगल क्रोशे उसके ऊपर से
एक सिंगल क्रोशे लेना है, और तीसरा जो ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशे वो स्किप करके यहाँ दो चेन के गैप में दूसरा सिंगल क्रोशे हम बना के लेंगे। ये यहाँ पे दो तैयार हो गए सिंगल क्रोशे, ये दो चेन लेंगे, यहाँ पे दो चेन के गैप में ही एक सिंगल क्रोशे लेना है। ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे स्किप करके दूसरा वाला जो सिंगल क्रोशे है यहाँ पे बैक साइड लूप से एक सिंगल क्रोशे तैयार करना है। लास्ट वाला स्किप करके लेना है। दोनों बाजू अभी दो दो सिंगल क्रोशे रेडी हो गए। फिर हम एक चेन लेके यहाँ पे टर्न करके लेना है। अभी ये दोनों बाजू दो दो सिंगल क्रोशे है, ये दोनों भी स्किप करके हमें डायरेक्ट यहाँ पे दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। दो चेन लेंगे, फिर वही हमें दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे देखो अभी दोनों बाजू एक एक रेडी हो गए सिंगल क्रोशे। फिर एक चेन लेंगे, एक यहाँ पे पैटर्न टर्न करेंगे, और जो ये पहला वाला सिंगल क्रोशे वो स्किप करके दो चेन के गैप में हमें एक लास्ट वाला सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अभी ये लिप पूरा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं धागा कट कर रही हूँ। यहाँ हमारा अभी ये लिप तैयार हो गया पूरा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।